वेलकम टू इंडियंस किचन। आज हम बनाएंगे बिना गुड़ शक्कर से हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन रखेंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसमें हम एक कप मूंगफली डालेंगे। तो ये कच्ची मूंगफली है और इसे हम भून लेंगे। तो हमें कच्ची मूंगफली को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि हम इसके छिलके अलग ना होने लग जाएं। तो ये देखिए हल्के हल्के इसके छिलके अलग से होने लग रहे हैं। और अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसे हाथों से क्रश कर लें इस तरह से, ताकि इसके छिलके निकल जाएं। तो ये देखिए इस तरह से इसके छिलके निकाल लें। आप इसकी जगह रोस्टेड मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं जो पहले से भुनी होती है। और फिर इसको एक छलनी में डाल के इस तरह से इसका छिलका अलग कर लें। तो अगर मूंगफली के थोड़े बहुत छिलके रह भी जाए तो कोई बात नहीं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और सेफ पैन में मैं अब एक कप तिल ले रही हूँ और इसे भी हम भून लेंगे। तो तिल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये फूल ना जाए। तो तिल अच्छे से फूल चुके हैं, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक कप मखाने लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया है। तो मखानों को भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सारी चीज़ों को इकट्ठा भी रोस्ट कर सकते थे, लेकिन सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। कोई चीज़ जल्दी रोस्ट हो जाती है, किसी को टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने सभी चीज़ों को अलग अलग रोस्ट किया है। तो रोस्ट करने के बाद इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप बादाम लिए हैं, साथ ही में 1/4 कप काजू भी लिए हैं और इन्हें भी हम कुछ मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्हें भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और साथ ही में मैंने 1/4 कप अब यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे क्योंकि इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स के लिए इसे रोस्ट करेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। साथ ही में एक बड़ा चम्मच मैंने मेलन सीड लिया है, यानी कि खरबूजे के बीज। इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए हम रोस्ट कर लेंगे और अब इसे भी निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश और भी ड्राई फ्रूट, पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब मैंने इसको एक मिक्सिंग जार में डाल लिया है। तो मिक्सिंग जार में आप थोड़ा सा ठंडा होने पर ही इन्हें डालें, गरम गरम ना डालें। और इसे देखिए मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया है, तो ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा ही रहने दिया है। इस तरह का पाउडर हमें चाहिए। तो अब हम इसे नाप लेते हैं कि ये हमारा जो पाउडर है ये कितना तैयार हुआ है। तो ये 1 कप और ये 2 कप, क्योंकि इसी के आइडिया से हम इसमें खजूर ऐड करेंगे। जी हाँ, हम इसे खजूर से बनाएंगे। तो ये देखिए ये लगभग 3 कप के करीब है, ये 3 कप हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। और अब हम 3 कप मिक्सचर में 2 कप खजूर डालेंगे। तो ये सीडलेस खजूर हैं जिनमें बीज नहीं है, और अगर आपके पास बीज वाले खजूर हैं तो आप उसके बीज निकाल सकते हैं। तो ये हम लेंगे 2 कप। तो ये 1 कप और साथ ही में 1 कप और, तो ये टोटल 2 कप हमने खजूर ली है। और अब ये थोड़े से हार्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, आधा कप पानी को गर्म कर लेंगे। तो पानी को हम तेज़ गर्म करके इसमें डाल लेंगे और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि खजूर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं और खजूर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग जार में डाल लेंगे। तो इसका पानी भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और इसे पीस लेंगे। खजूर को मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। तो ये देखिए दरदरा पीसने से इसके जो चम्स हैं वो लड्डू में आएंगे। आप चाहे तो इसका फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। और अब हम इसे पैन में डाल लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम भून लेंगे।
खजूर को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें जो हमने पानी डाला है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए और ये थोड़ा सा इकट्ठा ना होने लग जाए। तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, और जब ये इस तरह से इकट्ठा होने लग जाए तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस खजूर को हम ड्राई फ्रूट मिक्स में डाल देंगे। तो हमने ये गरम गरम खजूर को ड्राई फ्रूट मिक्स में डाल दिया है और अब हम एक चम्मच या स्पैचुला की सहायता से इसे मिक्स कर लेंगे, और जब आपको लगे कि आप इसे छू सकते हैं तब आप इसे हाथों से मिक्स करें। और ध्यान रखें कि आप इसे बिल्कुल ठंडा होने पर मिक्स ना करें, थोड़े से गर्म में ही मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों को ग्रीस कर लें घी के साथ और इसके लड्डू बांध लें। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हम इसके लड्डू बांध लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू बनके तैयार हुए हैं, जिसमें हमने चीनी, गुड़, शक्कर किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। और आप अपने बच्चों को, बड़ों को ज़रूर इस लड्डू को दें, बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। और या फिर आप हथेली के बीच में इस तरह से गोल गोल करके भी लड्डू बना सकते हैं। तो आप इसे एक गिलास गर्म दूध के साथ बच्चों को सुबह और शाम ज़रूर दें, और बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू बनके तैयार हैं। और इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ ये अंदर से कितने सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।